हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल कैरियर लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैंने एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, स्पेशली रीजनिंग सेक्शन के, और ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे 2019 के पेपर में आए हुए हैं। ये वीडियो आपकी Part-1 है जिसमें मैंने क्वेश्चन 25 तक डिस्कस किए हैं, और Part-2 में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ जिसमें मैं रिमेनिंग 25 क्वेश्चन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2020 में रिपीट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर नंबर पेयर्ड आर इन लाइक अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, फाइंड द ऑड वन आउट। तो हमें क्या निकालना है, हमें ऑड निकालना है कि ऐसा नंबर बताना है जो तीन ऑप्शंस तो एक जैसे होंगे, चौथा आपका अलग होगा। तो सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया कि नंबर्स 211, 293, 383 एंड 382, इसको देखते ही मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि ये इवन है, बाकी सारे ऑड हैं। ठीक है, एक तो ये पैटर्न हो गया, और इससे बेटर क्या निकलेगा कि 211, 293, 383, अगर थोड़ी सी भी नंबर की नॉलेज है मेरे को, मैं क्लियरली कह सकता हूँ ये सारे नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं। इसलिए तीनों सेम हो गए और 382 हमारा नॉन प्राइम नंबर है, इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। क्वेश्चन नंबर टू हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, इन अ सर्टेन लैंग्वेज संडे इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल यू कोड एनुअल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप ओरिजिनल वर्ड आप ऐसे करके लिख लो संडे करके, फिर इनके नीचे इसके कोडेड फॉर्मेट लिख लो RWKHVE। अब इनके प्लेस वैल्यूज लिखना चालू कर दो, S is 19, R is 18, U is 21, W is 23, N is 14, K is 11, This is 4, This is 8, This is 1, This is 22, This is 25, This is 5। तो इन दोनों के बीच गैप क्या आया, -1, इनके बीच में +2, -3, +4, -5, +6। तो ये हमें कुछ पैटर्न मिल गया कि -1, +2, -3, +4 करके। तो ऐसे यही पैटर्न हमें किस पे अप्लाई करना है, एनुअल पे अप्लाई करना है। तो हमें क्या करना है, एनुअल लिखना है ANNUAL, के प्लेस वैल्यूज 1, 14, 14, 21, 1, 12। नाउ -1 डेट इज 26Z, +2 16 यानी कि P, -3 11 यानी कि K, +4 यानी कि 25Y, -5 यानी कि 22V, +6 यानी कि 18R। तो ZPKYVR हमारा ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, इफ अल्टीरियर इज कोडेड एज इतना, देन हाउ विल यू कोड मैक्सिमम। कभी भी दोस्तों अगर ऐसा आ जाए किसी का वर्ड देखे नंबर्स में कोड करके लिखते, सो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले उनके प्लेस वैल्यू से उसका रिलेशन चेक करो उस नंबर का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्टीरियर लिखना है, ULTERIOR। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो आप 20, देन 5, देन 18, 9, 15 एंड 18। अब हमें 21 से 3 चाहिए, 21 से अगर 3 चाहिए तो कैसे पॉसिबल है, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3, सिमिलरली यहाँ ऐड कर दूं 1 + 2 तो भी 3 हो जाएगा, 2 + 0 = 5, 5 का तो 5 आ जाएगा, 8 + 1 = हमारा क्या हो जाएगा 9, 9 का 9 हो जाएगा, 1 + 5 = 6 एंड 1 + 8 = 9। तो हमारा कोड क्या बन गया, 3355 9969, 3355 9969, ये हमारा कोड मैच हो गया, यानी कि प्लेस वैल्यू को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया हुआ है। नाउ अब हमें किसका प्लेस वैल्यू चाहिए, मैक्सिमा का, MAXIMA, A is 1, 13, 9, 24, 1 and 13, 1 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 4, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 4 है, और ए का तो 1 का 1 ही रहेगा आपका, नॉट 3, 2 + 4 यानी कि 6, ये क्या हो जाएगा आपका 9,
ये क्या हो जाएगा आपका फोर, ये क्या हो जाएगा आपका वन, तो 416941 कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो यानी कि हमने प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ डिजिट सम कर दिया, प्लेस वैल्यू का डिजिट सम करके लिख दिया हमने प्लेस वैल्यू का यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो प्लेस वैल्यू का सम करके काफी बार सीजीएल में भी आया था 18 में और सीपीओ में भी आ गया। नाउ हमें वेन डायग्राम बताना है कि कौन के अकॉर्डिंग कौन सा वेन डायग्राम पॉसिबल है। तो वीक और डेज में अगर हमें रिलेशन निकालना हो कि सभी सप्ताह के अंदर दिन होता है ना, ठीक है, तो ऑल हो जाएगा। सभी दिनों में घंटे होते ना तो ऑल हो जाएगा, और सभी सप्ताह में घंटे होते ना तो ये क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तीनों साइड हमारा ऑल 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 है, तीनों साइड अगर हमारा ऑल 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 है तो कौन सा वेन डायग्राम हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया आपके पास। वेन डायग्राम बताना है कि वाइल्ड एनिमल काउ फॉक्स, क्या काउ वाइल्ड एनिमल होती है, नो। क्या काउ फॉक्स होती है, नो। क्या वाइल्ड एनिमल फॉक्स होते हैं, जंगली जानवर भेड़िए होते हैं, हाँ सारे के सारे भेड़िए जंगली जानवर होते हैं। तो कौन सा हमारा वो डायग्राम बन गया, ऑप्शन नंबर बी ऑल नो एंड नो। ठीक है, नंबर सिक्स का हमारा कि हमें क्या बताना है इसमें, और रॉन्ग बताना है। तो रॉन्ग बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर सीरीज लिख लेनी है 1 5 17 39 हमारा ब्रैकेट में है, एंड देन 65 101 145 एंड 197 ये लिख दिया। इसके बाद इनके बीच का गैप चेक करते हैं, 4 12 22 26 36 44 एंड देन 52। नाउ एक बार और गैप लेते हैं, 8 10 4 10 8 एंड 8। देखो 8 8 8 तीन बार रिपीट हो गया हमारा, एक बार गैप लेते ही बट गड़बड़ कहाँ गई हमारी, 10 4 10 में। ठीक है, लेट सपोज अगर यहाँ भी 8 का डिफरेंस होता 12 और 22 में, तो 12 और 22 में 8 का डिफरेंस के लिए मुझे 8 लिखना पड़ेगा। अगर ये 22 की बजाय 20 होता तो ये क्या होता हमारा, 37। ठीक है, जैसे ही 37 हुआ तो 37 और 65 के बीच में गैप क्या हो गया मेरा, 28, और 20 और 28 के बीच में गैप क्या हो गया, 8। फिर 28 और 36 के बीच में गैप क्या हो गया हमारा, 8। यानी कि हमारा 145 तो ठीक लिखा हुआ है, 39 रॉन्ग लिखा हुआ है। नंबर 7 क्या है कि लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपको इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता, बेसिकली सबको पता ही होता जनरली, तो हम इसके ऑप्शन की हेल्प को लेके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें यहाँ सबसे इन सभी ऑप्शन में इंच सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दिख रही है, जो हमें पता है मैक्सिमम लोगों को कि इन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इंच के बाद क्या होता है हमारा, फुट होता है। तो पहले 2 होना चाहिए फिर 3 होना चाहिए, 2 एंड 3 एक ही ऑप्शन है हमारा, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। फोल्डिंग पेपर हैज बीन कट एंड डाउन, अब पेपर जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट इस साइड किया, देन इस साइड किया, फिर यहाँ एक कट लगा दिया, जैसे ही यहाँ एक कट लगाया जब इसको मैं अनफोल्ड करूँगा तो ये कुछ ऐसा सा लिखेगा, फिर इसकी इसकी वाटर इमेज ऊपर की तरफ को चली जाएगी, फिर ये ऐसा लगेगा, फिर ये इसकी मिरर इमेज इस साइड लगेगी। वाटर में टॉप एंड डाउन चेंज होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सा कुछ देखना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ईजिली हमारा ऑप्शन की हेल्प लेके भी सॉल्व हो सकता था, इसमें यहाँ की साइड कटिंग दे रखी थी, तो यहाँ की साइड कटिंग यहाँ उस ऑप्शन में थी, इसमें भी थी, इसमें तो नहीं थी, एलिमिनेट हो जाता। बाकी ऊपर तो नहीं बनना चाहिए था क्योंकि कटिंग हमारी इस साइड है, तो हम इसको ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुनाल हाउस इज लोकेटेड साउथ ऑफ कॉफी शॉप, तो कॉफी शॉप लेट से यहाँ है, कुनाल हाउस का साउथ में, तो कुनाल का हाउस यहाँ हो गया। ठीक है, देयर इज अ पार्क टू द ईस्ट ऑफ कॉफी शॉप, ठीक है, पार्क कहाँ हो गया, ईस्ट ऑफ कॉफी शॉप। इफ द एंड द लोकल मार्केट इज नॉर्थ ऑफ कॉफी शॉप, ठीक है, लोकल मार्केट हमारा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया कॉफी शॉप में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मार्केट एंड पार्क इज इक्वल, ओके, टू द डिस्टेंस बिटवीन द कॉफी शॉप एंड कुनाल हाउस, कॉफी शॉप एंड कुनाल हाउस और मार्केट एंड पार्क के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इक्वल है। देन इन विच डायरेक्शन द मार्केट
विद रिस्पेक्ट टू कॉफी शॉप, ठीक है। कॉफी शॉप से मार्केट किस साइड है, तो हमें पता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, तो इसके बीच की लाइन आ रही है, तो क्या हो गया हमारी नॉर्थ ईस्ट। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव आर हम्बल, ठीक है भाई, ऑल एग्जीक्यूटिव सिलॉक्स का क्वेश्चन है हमारा, ऑल एग्जीक्यूटिव आर हम्बल, ठीक है, ऑल हम्बल आर रिच, सारे के सारे हम्बल क्या होते हैं हमारे, रिच होते हैं, ठीक है, डायग्राम बन गया, ऑल एग्जीक्यूटिव आर रिच, एग्जीक्यूटिव सारे के सारे रिच होते हैं, हाँ ये सही आ रहा है, ऑल हम्बल पीपल आर एग्जीक्यूटिव, नहीं, सम हम्बल पीपल आर एग्जीक्यूटिव है बट ऑल नहीं है, ये क्या हो गया हमारा, सम हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, पहला वाला क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। अगर आपको स्लोग्स नहीं आता तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एनालॉजी का, मतलब क्या है किसका सर, कि 11:242, यानी कि 11 से हमें 242 बनाना है, जो रिलेशन यहाँ आएगा वही हमारे ऑप्शंस में फिट होना चाहिए। सो 11 से 242 बन गया, नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया 11 से, तो सबसे पहले हम 11 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 121, 121 से मुझे 242 का रिलेशन क्लियर दिख गया कि इसका जस्ट डबल है, यानी कि पैटर्न मुझे क्या मिला, 11 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कि इस नंबर का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर करके इसको 2 टाइम्स कर दिया, यानी कि ए स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी हमें क्लियर दिख रहा है, ये तो 9 का क्यूब है ये तो कैंसिल हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 250 होता है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 64, 64 का 2 टाइम्स हो गया 128, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, डिफरेंट वन, यानी कि ऑड वन आउट पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, 396, 792, 571, 451, तो ये दोनों तो प्राइम नंबर हो गए, ठीक है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो गए, ये इवन नंबर हो गए, तो ये तो पैटर्न निकला नहीं, सो और क्या ऑब्जर्व किया हमने, हमने क्या ऑब्जर्व किया, नंबर्स को देख के मुझे एनालाइज हो गया था कि 6+3 क्या होता है, 9 होता है, तो 6+3 9 होता है, तो सेंटर में आपके लिखा हुआ है, ठीक है, 7+2 भी क्या होता है आपका 9 होता है, वो भी आपका क्या लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन आपका लिखा हुआ है सेंटर पे, 4+1 क्या होता है आपका 5 होता है, वो भी सेंटर में लिखा हुआ, बट यहाँ 5+1 6 होना चाहिए, यहाँ के लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है 6 की बजाय, ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये क्या था आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट, ए को हमने 2 बोला कोडिंग डिकोडिंग का, सी को हमने 4 बोला, तो पार्टिकल को क्या लिखेंगे, PARTICLE, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो ए को 2 कैसे कह सकते हैं, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, 1 में 1 ऐड कर दें तो 2 हो गया, सी की प्लेस वैल्यू 3, 3 में 1 ऐड कर दें तो 4 हो गया, तो अब इससे क्या पैटर्न हमें निकल गया कि प्लेस वैल्यू में प्लस चल रहा है 1 का, पी की 16 होती है प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17, ए तो हमें पता है 2 लिख रखा है इसने 1+1, तो सब में प्लस 1 कर देना है, 18 की जगह क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 21, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 20, आर की क्या होती है 18, 9+1 क्या हो गया हमारा 10, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 17, 21, 9, 21, 10, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन क्लियर हो गया, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन की हेल्प लेके हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो कर देते हैं फिर भी, ये 6 हो गया, ये क्या हो गया 13 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, पूरा फिट हो गया हमारा, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, अगेन ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्जर्व करो दोनों नंबर्स को, 14:3, 7:6, 12:4, 21:2, तो पहला इवन है दूसरा ऑड है, इवन ऑड यानी कि एक ऑड है एक इवन है, ऐसा है, ऑड इज टू इवन या इवन इज टू ऑड है या इवन है, ठीक है, ये पैटर्न चल रहा है, बट हमारा 12:4 में हमने क्या दिखा, एक तो एग्जैक्ट मल्टीपल है और ये ऑड इवन भी है, केवल यही नंबर हमारा एग्जैक्ट मल्टीपल भी है, बाकी ऑड इवन भी है, ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, नहीं आई तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक तो ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये हमारा इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, और एक चीज हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 4:3 एग्जैक्ट मल्टीपल है 4 का, केवल यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये कह रहा था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 15, अच्छा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है,
सो इसमें ऑब्जर्व करो, ये यहाँ मूव हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एक्स यहाँ मूव हो गया, नेक्स्ट में ये यहाँ मूव हो गया, फिर हमने इसमें ऑब्जर्व किया तो यहाँ मूव हो गया, यहाँ मूव हो गया, यानी कि सारे के सारे नंबर, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज की मूवमेंट पे चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में तो बॉक्स है, तो बॉक्स हमारा इस साइड होना चाहिए। ऑप्शन की हेल्प लेते हैं, ऑप्शन एलिमिनेटेड, ऑप्शन एलिमिनेटेड, बॉक्स इधर है ये पॉसिबल ऑप्शन है, बॉक्स इधर है ये पॉसिबल ऑप्शन है। ओके, ये एरो हमारा ऊपर चला जाएगा, एरो हमारा ऊपर दोनों में, ठीक है। ये हमारा सर्कल यहाँ चला जाएगा, तो सर्कल केवल इसी ऑप्शन में, इस साइड में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। इन क्वेश्चंस में हमें ऑब्जर्व करना होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स में, सेकंड थर्ड बॉक्स में क्या पैटर्न चल रहा है। ओके, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर हो गया हमारा, 101 से 102, 20 तक पहुंच गया, 202 तक पहुंच गया। अब कितना बड़ा नंबर हो गया, तो कैसे पॉसिबल है? अगर हमें थोड़ा सा स्क्वायर एंड क्यूब की नॉलेज है, तो 101 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 10201, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, 10202, यानी कि स्क्वायर प्लस 1। तो अब 101 कैसे आएगा, हमें पता है कि इसके पीछे क्या होना चाहिए, 10 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 101 हो गया, तो 10 हमारा आंसर हो गया। अब 3 से 10 कैसे आया होगा, 3 से 10 कैसे आया होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये पैटर्न था हमारा इसका। मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, 101 से 10202 पे पहुंच गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ होगा। 101 के स्क्वायर के आसपास का नंबर देखा, तो मैंने पहले 101 के स्क्वायर किया और फिर उसमें बाद में प्लस 1 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथ हो गया मार्च, सबको पता है मंथ होता है मार्च, तो सीजन क्या होगा, ईयर नहीं हो सकता, फेस्टिवल नहीं हो सकता, सीजन हमारा स्प्रिंग है, सीधा के सीधा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वर्ल्ड एशिया, पूरा का पूरा एशिया वर्ल्ड में है, यानी कि ऑल, पूरा नेपाल एशिया में, यानी कि ऑल, पूरा नेपाल वर्ल्ड में, यानी कि ऑल, तीनों साइड हमारा ऑल 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 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगर आपको वेन डायग्राम सॉल्व करने नहीं आते, वेन डायग्राम अगर सॉल्व करने नहीं आते तो मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, उसमें बता दूंगा सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, सी एफ के आर ए, नेक्स्ट निकालना है आपको अल्फाबेट, तो लिख दो यहाँ 3, 6, 11, 18, 1, कितना गैप है, 3, 5, 7, 9, यानी कि और चल रहा है, अगला क्या होगा, 11, यानी कि 12 होना चाहिए, 12 का मतलब क्या हो गया हमारा, एल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बॉर्ड मास के ऊपर बेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका बॉर्ड मास के ऊपर है, तो इसमें साइंस इंटरचेंज करके बताना होता है कि ये नंबर कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसके ट्रिक क्या होती है, आप पूछोगे सर ट्रिक बता दो इसकी, इसके ट्रिक ये है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है पहले वहां से पिक करते हैं, तो यहाँ 16 से 4 क्लियरली डिवाइड हो रहा है, तो यह जब हमारे क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है तो हम ऑप्शन डिवाइड वाला एलिमिनेट इजिली कर देंगे, क्योंकि हम अगर किसी से भी कोई सा भी नंबर डिवाइड करेंगे यहाँ तो डिवाइड नहीं होगा साइन इंटरचेंज करने के बाद, तो 16 से 4 क्लियरली डिवाइड हो रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे, डिवाइड वाले वैल्यू हम यूज ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, इंटू और प्लस को इंटरचेंज करना है, इंटू एंड प्लस का, तो 7 इंटू की जगह हम क्या कर देंगे, प्लस, और प्लस की जगह क्या कर देंगे, इंटू, -16 डिवाइड बाय 4, बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करना होता है तो 4 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, 7 प्लस 10 माइनस 4, तो 7 प्लस 6 इक्वल टू 13 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्लियरली आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो इसके तरीका यही होता है, जो डिवाइड करा होता है उसको डिवाइड रहने देते हैं, या वो ऑप्शन ऐसा पिक करते हैं जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसमें तो डिवाइड था ही ऑलरेडी, तो इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडेट का नंबर ये हो गया, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एंड डेफर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कैडेट ही चेक करते हैं कि कैडेट से नंबर कहाँ से आया, तो ये कैसे आ गया, 3, 1, 4, 5, 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है, इसकी 1, इसकी 4, इसकी 5, जी की तो 20 होती है, तो ठीक है प्लेस वैल्यू तो यहाँ तक लिख दिया, चेंज क्या हो गया हमारा, इसमें चेंज आया। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं डेफर का, डी ई एफ ई आर, चेंज कैसे है अभी चेक करेंगे, डी की तो 4 ही होती है, ई की क्या होती है 5, एफ की क्या होती है 6, ई की क्या होती है 5, आर की होती है हमारी 18, बट जब चेंज यहाँ लास्ट में हुआ है टी में, तो आर में भी होना चाहिए, तो 4565 का है, 4565 ए की ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब सर आप मुझसे ये पूछोगे सर टी की जगह 7 कैसे आया, तो टी का अपोजिट होता है हमारा जी, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या,
सेवन, तो आर का अपोजिट होता है हमारा नाइन, नाइन के प्लेस आई, आई के प्लेस वैल्यू क्या होते हैं नाइन, सो अपोजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। अब इसको मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, क्लासेस, एंट्रेंस एग्जाम, रिजल्ट, एडमिशन, ग्रेजुएशन एंड जॉब। अब इतना हम सबको पता है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जॉब हमारी लास्ट में ही लगेगी ना, ठीक है, तो हमारा सिक्स ऑप्शन जो है लास्ट में आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ सिक्स ऑप्शन लास्ट में, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी है, हमारा सी क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है सॉल्व करने का कि थोड़ा सा आप जो गिवन आपके वर्ड्स हैं उनको एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग आप मेंटली सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जॉब हमारी सब चीज़ों के बाद में लगेगी, इसलिए हमारा सिक्स क्या हो गया लास्ट में हो गया। चलो एक बार चेक कर लेते, टू हमारा एंट्रेंस एग्जाम, फिर थ्री से हमारा क्या हो गया रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट के बाद क्या होगा हमारा एडमिशन, एडमिशन के बाद क्लासेस, क्लासेस के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जॉब, ठीक है। सो ऐसे आप लोग कर सकते थे इसको जल्दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सो फ्लावर्स तो है नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन कर दो, ये वाले भी फिगर कहीं भी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे, ये वाले फिगर में कंफ्यूज हो गया, बट ये दो लाइन तो कहीं है ही नहीं आपकी, डबल लाइन एक साथ यहाँ कहीं भी नहीं है पूरी फिगर में, ये भी एलिमिनेट हो गया। कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। अब आप पूछोगे सर ये एम्बेडेड कैसे था, यहाँ देखो आप, ये रही एक ऐसा करके शेप थी, ठीक है, ये नीचे की तरफ को आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे करके शेप थी, तो ये फिगर हमारी यहाँ एम्बेडेड थी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ ऑप्शन से ही सॉल्व करने होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, ऑप्शन देके फिगर मैच करो और सॉल्व करो। अब ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड पेयर बताना है हमें, वर्ड पेयर कैसे, अगर हॉर्स गैलोप करता है, गैलोप का मतलब क्या होता है गुलाटी मारना, तो ऐसे हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जो इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठ जाए। तो लॉयन, तो गुलाटी माना यानी कि भागना, भागने से रिलेशन कर रखा है जो हॉर्स करता है। अब ये तो रोर का मतलब क्या होता है घोराना, तो लॉयन तो हमें पता ही है रोर करता है, तो ये तो गलत हो गया। एलिफेंट ह्यूज, उसके तो साइज बता दे, ये भी गलत हो गया। तो बर्ड का करता है फ्लाई, ये क्लियरली हो गया, पक्षी उड़ते हैं, जैसे हॉर्स गुलाटी मारते हैं ऐसे पक्षी उड़ते हैं, इसलिए क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया, ठीक है। 25 देखो एम्बेडेड फिगर के दोबारा से क्वेश्चन है। अब ये फिगर हमें सर्च करनी है, अब ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा सा फिगर है ग्लास टाइप, ठीक है, थोड़ा सा ग्लास टाइप या थोड़ा सा कोनिकल शेप है, यहाँ तो कोन कहीं बन ही नहीं रहा, ये ऑप्शन देखा तो ये तो इसमें ऐसा सा फिगर सीधा सीधा सा आ रहा है, ग्लास टाइप तो कहीं हुआ ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ।